बसमेर रहीकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है कैलकुलस की एक्सरसाइज है थ्री पॉइंट थ्री इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज का इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर नाइनटीन भी किया था उससे पहले एटीन भी किया था तो हमें एक फ़ंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज़ एक टू टू काज एक्स प्लस साइन टू एक्स और इंटरवल हमारे पास है ज़ीरो से लेकर कर टू पाई इस इंटरवल में हमने इसका एक्स्ट्रीमा फाइंड करना है और इसी इंटरवल में फिर आगे हमने सब इंटरवल फाइंड करने हैं जिनमें ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और एंड पे फिर हमने इसका ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ फाइंड करना है तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो है अगली एक्सरसाइज में भी है थ्री पॉइंट फोर में भी ये आएगा दोबारा और जब थ्री पॉइंट फोर में आएगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी थ्री वहाँ पर भी हमने क्या करना है उसमें सिर्फ एक्सट्रीमा फाइंड करने बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और इसमें नहीं में उसने मेंशन किया कि कौन सा टेस्ट यूज़ करना है सेकेंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ किया करता हूँ तो हम क्या लेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका लेंगे फर्स्ट डेरीवेटिव तो एफ डैश ऑफ एक्स जब पहले डेरीवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स टू काज एक्स प्लस साइन टू एक्स और यह हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस टू साइन एक्स और साइन टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा टू काज ऑफ टू एक्स अब क्या करेंगे फॉर एक्सट्रीमा या फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब इसे ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू साइन एक्स प्लस टू काज ऑफ टू एक्स इज एक टू ज़ीरो पहला काम ये करते हैं कि टू पे डिवाइड करते हैं तो आएगा माइनस साइन एक्स प्लस काज ऑफ़ टू एक्स इज ल टू ज़ीरो यहाँ से हमने एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ये साइन है ये काज है लेकिन यहाँ पे एंगल एक्स है यहाँ पे एंगल टू एक्स है तो इसको अगर काज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर ए, जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा साइन एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्केर एक्स होता है वन माइनस कास्केयर एक्स फिर साइन एक्स उसका अंडर रूट आएगा तो काज टू जो है टू एक्स ये इसके तीन फार्मूले हैं कास्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स उसको भी नहीं लगाना टू कास्केर एक्स माइनस वन और एंड पे हमारे पास है ये होता है वन प्लस वन माइनस टू साइन स्क्र एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसको लगाएंगे तो पूरी इक्वेशन में आ जाएगा साइन और अगर आप गौर करेंगे तो ये साइन एक्स में बन जाएगी क्वाड्रेटिक यहाँ पे हम करेंगे दो काम नंबर वन तो ये है कि इसको जो है ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर इसको लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पहले लिखेंगे टू साइनस केयर एक्स फिर साइन एक्स और फिर लिखेंगे माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो क्वाडराटक है क्वाडरेट का फार्मूला लगाना तो आप वो लगा सकते हैं फैक्टर बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं प्लस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये आ जाएगा टू साइन एक्स कामन अन... और अंदर हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस वन यहाँ से माइनस वन आएगा और ये भी साइन एक्स प्लस वन ये भी साइन है वो भी साइन तो साइन एक्स प्लस वन फिर का मन आया तो ये आया टू साइन एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस वन को ज़ीरो करेंगे तो साइन एक्स किसके इक्वल आया माइनस वन जब साइन एक्स आ गया ये माइनस वन तो फिर एक्स हमारे पास आ गया थ्री पाई बाई टू यानी कि टू सेवेंटी डिग्री पे जो है ये साइन की वैल्यू क्या आती है माइनस वन इसको पकड़ते हैं टू साइन एक्स माइनस वन ज़ीरो है तो साइन एक्स आ जाएगा वन बाई टू तो जैसे पहले मैं डिटेल से जो है ये पहले क्वेश्चन में जो है ये लिखता रहा उसी तरह यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वारनेट रेफरेंस एंगल इज़ थर्टी डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई बाई सिक्स तो जब एंगल पाई बाई सिक्स है पहले क्वाड्रेंट में ये आएगा पाई बाई सिक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स वो आ जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स तो ये तीन वैल्यूज हम हमारे पास आ गई हैं अब हम लेंगे नाव डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स और पहला डेरीवेट हमारे पास आया था माइनस टू साइन एक्स वो बन जाएगा माइनस टू काज एक्स आगे था प्लस टू काज एक्स वो बन जाएगा माइनस फोर साइन टू एक्स यहाँ से मैं नेगेटिव टू का काम ले लेता हूँ काज एक्स प्लस टू साइन टू एक्स और इन तीनों पे हमने ये वैल्यूज़ पे चेक करना कि डबल डेरीवेट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव तो नंबर वन यही वैल्यू ले लेते हैं एफ़ डबल डैश थ्री पाई बाई टू तो माइनस टू काज ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस टू साइन जब इधर पाई बाई टू पुट करेंगे इससे कट के तो थ्री पाई अब थ्री पाई बाई टू पे काज ज़ीरो है थ्री पाई पे साइन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ गया तो जब डबल डेरिवेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव तो फिर पता चलता है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है जब ज़ीरो आ जाए तो फिर उस पॉइंट पे जो है उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आती मैक्सिमम मिनिमम नहीं आती फिर उस पॉइंट पे जो है उसमें हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो सो so, हम इसे लिखेंगे फिर एक्स इज़ इक्ल टू थ्री पाई बाई टू इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपने कंप्लीट भी लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो फिर इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे तो फिर वाई की वैल्यू आएगी लेकिन इतना भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं होता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ठीक है जी अब हम चलते हैं इससे आगे नंबर टू पे हमारे पास है एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई सिक्स ये तीन वैल्यूज आई थी अब जब पुट करेंगे तो अब आएगा माइनस टू काज ऑफ पाई बाई सिक्स प्लस टू साइन ऑफ टू पाई बाई सिक्स तो ये आएगा माइनस टू काज ऑफ पाई बाई सिक्स होता है अंडर रूट थ्री बाई टू ये बनेगा पप ये पाई बाई थ्री ये भी अंडर रूट थ्री बाई टू इसको मजीद हल करने की ज़रूरत तो कोई नहीं लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये देखें माइनस टू आएगा एलसीएम 2 टू आएगा ऊपर आएगा अंडर रूट थ्री प्लस टू इंटू अंडर रूट थ्री तो टू से टू कटेगा और ये बनेगा थ्री इंटू अंडर रूट ये टू अंडर रूट थ्री उसमें ऐड हो जाएगा विच इज़ लेस देन ज़ीरो तो सो एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज़ एफ ऑफ अब इसको फिर पुट करेंगे फंक्शन में एफ ऑफ पाई बाई सिक्स तो ये हमारे पास आएगा टू हमारा क्वेश्चन था टू काज एक्स तो टू पाई बाई सिक्स प्लस साइन ऑफ टू पाई बाई सिक्स फिर वही चीज़ है इस इसे फिर हम करेंगे टू अब काज ऑफ पाई बाई सिक्स हमारे पास क्या है अंडर उड थ्री बाई टू और साइन ऑफ पाई बाई थ्री ये भी क्या है अंडर उड थ्री बाई टू तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये या तो इसको काट दें नहीं तो अगर हम इसका इसको इस तरह करें कि टू अंडर थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू एल्शियम ले लिए ये टू है ये वन वा, है तो थ्री अंडर रूट थ्री बाई टू हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई सिक्स पे। फिर हम लेंगे एफ ऑफ दूसरी वैल्यू थी एक्स की फाइव पाई बाई सिक्स अब जब पुट करेंगे तो माइनस टू काज ऑफ फाइव पाई बाई सिक्स प्लस टू साइन ऑफ फाइव पाई बाई सिक्स करेंगे तो बन जाएगा फाइव पाई बाई थ्री टू साथ टू है तो ये माइनस टू है अब ये फाइव पाई बाई सिक्स से वन फिफ्टी है सेकंड क्वाड्रेंट है, है तो ये आएगा माइनस अंडर उड थ्री बाई टू प्लस टू और ये एंगल है थ्री हंड्रेड का फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे भी साइन हमारे पास आएगा माइनस थ्री अंडर रूट बाई टू अगर आप देखें ये नेगेटिव ये नेगेटिव हम इसको कामन ले लेते हैं टू तो अंडर रूट थ्री बाई टू टू इंटू अंडर रूट थ्री बाई टू तो ये विच इज़ ग्रेटर देन जीरो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती सिर्फ चेक करना होता है कि यहाँ पे आके डबल जो है डबल डेरी यहाँ जो है ये अब जो हमने ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी ये मैंने डबल डैश लिखा इसमें पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आ गया है ग्रेटर देन ज़ीरो इसका मीनिंग है कि एफ हैज़ लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स एंड मिनिम वैल्यू इज़ इसको भी हम उसी तरह फाइंड करेंगे और लिखेंगे एफ फाइव पाई बाई सिक्स और दिए गए फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू काज ऑफ फाइव पाई बाई सिक्स प्लस साइन ऑफ फाइव पाई जो सिक्स टू से कटेगा ये थ्री आ गया तो ये फिर हमारे पास आएगी इसकी जो वैल्यू है ये टू ये भी उसी तरह माइनस अंडर वोट थ्री बाई टू और प्लस माइनस अंडर वोट थ्री बाई टू तो ये तो उसी तरह वही वाली वैल्यू आ गई है कि माइनस टू अंडर उड थ्री बाई टू माइनस अंडर वोट थ्री बाई टू तो इस ये फिर एल्शियम आके तो ये आ जाएगी हमारे पास लोकल मिनिमम माइनस थ्री अंडर रूट थ्री बाई टू मैक्सिमम भी यही आई है उसमें पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव है एक तो स्टेप ये कंप्लीट हुआ अगला स्टेप इसका है उस पर आते हैं वो स्टेप नंबर टू है कि कहाँ पे इंक्रीज़ करता है और कहाँ पे डिक्रीज़ करता है तो उसके लिए जिस तरह ऑलरेडी मैंने जो है पहले वाले क्वेश्चन किए हैं इसको भी मैं उसी तरह करता हूँ कम इंटरवल ले, ले, ले लेंगे तो ये जरा हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी रहेगी और उसमें मैं क्या करता हूँ ये देखें ये मैंने स्केल पकड़ लिया ज़रा इसे मैं टू पाई कह देता हूँ क्या टू पाई ये क्या है ज़ीरो इधर क्या आएगा पाई पाई से पीछे अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ की मेरे पास आएगा ए पाई बाई सिक्स और यहाँ की आएगा फाइव पाई बाई सिक्स ये मैं लिख भी देता हूँ पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स तो ये हमारे पास इंटरवल आ गए एक है ये एक है ये एक है ये इनके नाम लिखने हैं ए बी सी लिखने तो नंबर वन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स था क्या माइनस टू यह हमने एफ़ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया था जिस इंटरवल में ये जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा उसमें फंक्शन इंक्रीज़ करेगा जिस इंटरवल में ये लेस देन ज़ीरो होगा उसमें फंक्शन डिक्रीज़ करेगा तो क्या करते हैं नंबर वन ये देखें मैं चेक करता हूँ एफ डैश ऑफ ज़ीरो जब मैं ज़ीरो लूँगा तो आएगा माइनस टू साइन ऑफ ज़ीरो प्लस टू काज ऑफ ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है काज ऑफ ज़ीरो कितना होता है वन तो ये हमारे पास आ गया ज़ीरो प्लस टू तो विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर टू में हम लेता हूँ एफ़ डैश ऑफ पाई ले लें बल्कि इनके बीच में कोई लेने हैं हमने तो ये इसे हम ले लेते हैं पाई बाई टू आएगा माइनस टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस टू इधर जब पाई बाई टू पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा अब ये बनेगा माइनस टू और काज ऑफ पाई भी होता है ये माइनस वन तो माइनस टू माइनस फोर विच इज़ लेस देन ज़ीरो फिर हम लेंगे नंबर थ्री है आप ले, ले लीजिए एफ डैश ऑफ पाई तो माइनस टू साइन ऑफ पाई और फिर आएगा प्लस टू तो ये था काज़ ऑफ टू एक्स तो बन जाएगा काज ऑफ टू पाई ये फिर ज़ीरो आया ये फिर टू आया अगेन ग्रेटर देन ज़ीरो तो इस रिजल्ट निकला इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इन ज़ीरो टू पाई बाई सिक्स और ज़ीरो एंड पॉइंट है क्लोज है इस्कूलें एंड दूसरा है फाइव पाई बाई सिक्स टू टू पाई तो फिर हम लिखेंगे सो एफ इंक्रीजेस ऑन जीरो टू पाई बाई सिक्स यूनियन फाइव पाई बाई सिक्स टू टू पाई तो अंडरस्टूड है अगर इस इंटरवल इन in, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ये इंक्रीज़ कर रहा है तो जो बाकी बचेगा फिर उसमें वो क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा और बाकी क्या होगा वो होगा पाई बाई सिक्स से लेके कर फाइव पाई बाई सिक्स तक जो ऊपर आ भी चुका है एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो ऑन पाई बाई सिक्स टू फाइव पाई बाई सिक्स सो एफ डिक्रीज ऑन पाई बाई सिक्स टू फाइव पाई बाई स यह हो गया हमारा पार्ट नंबर सेकेंड अब हम आते हैं पार्ट नंबर थ्री पर और पार्ट नंबर थ्री है इसका ग्राफ ड्रा करना ग्राफ ड्रा करने के लिए उसी तरह हम क्या करेंगे इसका टेबल लेंगे और जब टेबल लेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैं इसका टेबल बनाता हूँ और टेबल मैं इस तरह बना लेता हूँ अब तो टेबल बनाने से पहले हम ये लिख लें हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू टू काज़ एक्स प्लस साइन टू एक्स इधर मैं लिखूंगा एक्स की वैल्यू और इधर वाई की यहाँ पे मैं वाई का जब हम ज़ीरो लेंगे देखिए एक्स ज़ीरो है तो काज ऑफ़ ज़ीरो कितना है ये वन साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो तो जब ये वन है तो ये टू आ जाएगा फिर हम लेंगे थर्टी डिग्री यानी कि पाई बाई सिक्स जब पाई बाई सिक्स लेंगे तो ये आएगा टू और काज ऑफ पाई बाई सिक्स हमारे पास थर्टी डिग्री ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू और जब इधर थर्टी लेंगे तो ये सिक्सटी बन जाएगा तो ये भी अंडर रूट थ्री बाई टू और ये वैल्यू हम निकाल भी चुके हैं ये मैक्सिमम वैल्यू थी टू अंडर व्री प्लस थ्री अंडर प्लस अंडर वोड थ्री जो हो जाएगा थ्री अंडर व्री बाई टू और जब आप इसको टू पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टू पॉइंट फाइव नाइन एट क्या आएगा इसे मैं तकरीबन टू पॉइंट सिक्स ले रहा हूँ फिर पाई बाई सिक्स के बाद मैं लूँगा पाई बाई थ्री यानी ये थर्टी डिग्री ये सिक्सटी और ये भी याद रखें ये हमारी मैक्सिमम लोकल मैक्सीम आई थी अब जब सिक्सटी डिग्री लेंगे तो ये आएगा टू काज ऑफ सिक्सटी की वैल्यू है वन बाई टू अब इधर जब सिक्सटी लेंगे तो ये ये बनेगा वन ट्वेंटी और साइन जो है ये वन ट्वेंटी ये फिर क्या आएगा अंडर रूट थ्री ये अंडर और जब इसका टू एल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा टू प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें ये ज़रा पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी इजी है ये होता है वन पॉइंट सेवन सेवन थ्री टू उसमें टू ऐड करें और टू पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट एट सिक्स सिक्स फिर मैं लेता हूँ पाई बाई टू जब पाई बाई टू जो है ये लेना है तो पाई बाई टू पे आके का ज़ीरो है इधर पाई बाई टू लेंगे टू से टू कटेगा तो बचेगा ये पाई और उस पर साइन जीरो है तो ये ज़ीरो आ पाई बाई टू के बाद अब हम वैल्यू लेते हैं थर्टी सिक्सटी नाइन्टी वन ट्वेंटी की और उस वैल्यू को हम फिर लिखते हैं टू पाई बाई थ्री अब जब टू पाई बाई थ्री लेंगे वन ट्वेंटी तो ये आएगा टू काज ऑफ वन ट्वेंटी वो फिर सिक्सटी का बनेगा सेकंड क्वार में तो माइनस वन बाई टू और जब ये वन ट्वेंटी लेंगे तो साथ साथ इसको भी देखना ये बनेगा टू अच्छा साइन की वैल्यू हमेशा हर क्वाड्रेंट में सिक्सटी आएगी अब यानी कि इधर पुट करेंगे वन ट्वेंटी तो ये बनेगा टू फोर्टी टू फोर्टी का आप तो कैलकुलेटर पे चेक कर लें मैं इस तरह चेक करता हूँ कि वो सिक्सटी का मान रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में तो वो फिर आएगा माइनस अंडर वुड थ्री बाई टू अब जब ये माइनस अंडर वुड थ्री बाई टू आएगा इसमें आप देखें टू एलसीएम ले लें टू तो ये क्या आया टू एलसीम लेंगे तो इधर आएगा टू ये आएगा अंडर रूट टू तो ये हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई है ऊपर वाली माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू यानी कि माइनस वन पॉइंट एट सिक्स ये हमारे पास आया है टू पाई बाई थ्री इसके बाद हम लेंगे वन ट्वेंटी के बाद आएगा वन फिफ्टी वो है फाइव पाई बाई सिक्स और ये फिर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये आएगा काज टू और ये कितना फिर आ जाएगा थर्टी पे माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू और जब ये वन फिफ्टी है तो जब हम ये लेंगे साइन ये इस पे आपने जो है ये बार बार आपको नज़र नहीं आ रहा अगर इधर इधर मैं एक्सपोर्ट करूँगा ये थर्टी तो ये साइन के एंगल सिक्सटी हो जाएगा या जा मैं फोर्टी फाइव पुट करूँगा तो ये नाइन्टी हो जाएगा या नाइन्टी पुट करूंगा तो ये वन एटी जा तो हो जाएगा तो जैसे अभी मैंने पुट किया फाइव पाई बाई सिक्स ये है ये वन फिफ्टी तो इधर जब पुट करूँगा साइन में तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड पर आके ये अगेन हमारे पास आएगा माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू तो ये फिर हमारे पास और ये वाली वैल्यू भी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं और ये हमारी वाली जो है ये वो आई थी लोकल मैक्सिमम उसके साथ मैक्सिमम मैं लिखता हूँ और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी लोकल मिनिमम और उसी तरह ये भी था थ्री अंडर उड थ्री बाई टू तो माइनस टू पॉइंट ये भी सिक्स में लूँगा फिर हम चलेंगे थोड़ा सा मजीद आगे और इसके बाद फाइव पाई बाई सिक्स के बाद अब हम आएंगे पाई पे जब पाई लेंगे तो हमारे पास है टू काज पाई वो आ जाएगा माइनस टू और साइन कितना हो जाएगा ज़ीरो फिर अब हम जो है ये पाई के बाद आते हैं सेवन पाई बाई सिक्स दो सौ टू टेन टू टेन के एंगल बनेगा तीसरे आपने कैलकुलेट से चेक करते रहें मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ टू टेन के एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में बनता है थर्टी का और थर्टी पे ये फिर वैल्यू आएगी टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू और ये टू टेन है इसका डबल लेंगे तो वो बन जाएगा फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी का पूरा चक्कर लगाएंगे थ्री सिक्सटी तो वो पहले क्वाड्रेंट में आके सिक्सटी का हो जाएगा और सिक्सटी पे साइन की फिर वैल्यू क्या आएगी प्लस अंडर थ्री बाई टू तो ये है टू अंडर थ्री विद नेगेटिव साइन ये है अंडर उड थ्री तो ये आएगा माइनस अंडर थ्री बाई टू और जब इस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स माइनस अंडर उड थ्री बाई टू आपको ये वाली वैल्यू वैसे ही ज़बानी याद होनी चाहिए क्योंकि ये साइन सिक्सटी की वैल्यू है फिर हम लेंगे फोर पाई बाई थ्री क्या लेंगे फोर फाइव बाई थ्री अब टू है टू फोर्टी के एंगल है फिर आपके पास आया और टू फोर्टी का बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में सिक्सटी सॉरी ये बनेगा थर्ड में सिक्सटी का उस पर काज की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन बाई टू आगे फिर आएगा साइन टू फोर्टी का डबल आएगा फोर एटी आप उसको लहदा भी निकाल सकते हैं आप उसको कैलकुलेट से चेक कर लें तो वो फिर जाके गाल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में अंडर थ्री बाई टू तो ये हमारे पास क्या आ गया इसको मैं पहले लिखता हूँ माइनस टू को और ये हमारे पास आएगा इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस पॉइंट वन थ्री फोर इतना ही ले लें इसी तरह अब जो है ये मैं लेता हूँ टू सेवेंटी वो होता है थ्री पाई बाई टू और ये क्वेश्चन भी साथ साथ चेक करवाता हूँ ये चीज़ है जब इधर पुट करेंगे थ्री पाई बाई टू और तो वह एंगल आ रहा है वाई पे वाई एक्सिस पे का जो है ये ज़ीरो है इधर थ्री पाई बाई टू पुट करेंगे टू से टू कटेगा साइन थ्री पाई एक्स एक्सिस पे ये ज़ीरो आ गया और इसी तरह अब आप आपको मैं अगली दो वैल्यू जो है, है वो आपको लेके दे रहा हूँ इसके बाद आएगा थ्री हंड्रेड डिग्री और उसके बाद हमारे पास आएगा अलेवन पाई बाई सिक्स और फिर आ जाएगा टू पाई तो ये वैल्यू भी आपने निकाल लेनी है ये आई है पॉइंट वन थ्री और ये हमारे पास भी आएगी प्लस पॉइंट वन थ्री और फिर जो ऊपर आई है ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स और एंड पे ये टू आ जाएगी जिस तरह मैंने ये सारी वैल्यू निकाल ली है आपने ये निकाल लेनी है अब हम इनका ग्राफ लेते हैं और जब इनका ग्राफ ड्रा करना तो देखिए ये स्केल है ये पाई है यहाँ पे क्या है पाई बाई टू ये मैंने थर्टी डिग्री लिया है यानी कि पाई बाई थ्री है ये टू पाई बाई थ्री है ये थ्री पाई बाई थ्री सॉरी ये है पाई बाई सिक्स थर्टी डिग्री पाई बाई सिक्स का डबल लेंगे तो वो बन जाएगा पाई बाई थ्री ये सिक्सटी फिर आगे पाई बाई टू है और हमारे पास ज़ीरो पे वैल्यू जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी वो टू आई थी ये ये आपके सामने है पाई बाई सिक्स पे वैल्यू है टू पॉइंट सिक्स तो ये टू है ये देखें इधर आएगा टू पॉइंट ये वन है ये वन पॉइंट फाइव है ये टू है ये वाली लाइन टू पॉइंट फाइव है और इससे मामूली सा थोड़ा सा ऊपर क्या आएगा ये वाली वैल्यू आ गई फाइव बाई थ्री पे हमारे पास वैल्यू आई है वन पॉइंट एट सिक्स ये है वन ये ये वन पॉइंट फाइव और इसको भी ऊपर देखना है तो वन पॉइंट एट सिक्स के यहाँ आएगा पाई बाई टू पे आके हमारे पास वैल्यू आ गई है जीरो तो वो ये वाली वैल्यू उसके बाद है टू पाई बाई थ्री वो फिर आई है माइनस वन पॉइंट एट सिक्स अब नीचे को आएंगे और नीचे को ये वाली वैल्यू ये आएगा ये तकरीबन जाके इसके नीचे यहाँ के आएगी और इसके बाद हमारे पास है फाइव पाई बाई सिक्स फाइव पाई बाई सिक्स हमारे पास ये है और इस पे वैल्यू आ रही है माइनस टू पॉइंट सिक्स जो कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और इसके बाद जब हम लेंगे पाई तो पाई पे वैल्यू फिर हमारे पास कितनी आ रही है माइनस टू तो देखें ये ग्राफ इस तरह आएगा यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे यहाँ आके ये बैंड हो के ये इस तरह जाएगा यहाँ से फिर अभी मैं बाद में सीधा करता हूँ इसको ऐसे बाद में हम इनको मिला लेंगे शुरू में ज़रा ऐसे करते हैं डाटे लाइन में कि ज़रा गलती का मकान ना फिर हमारे पास थ्री पाई बाई टू पहले ले लें ये ये थ्री पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी है ये ज़ीरो है तो ये ऐसे जाएगा यहाँ से इधर आके ना ऐसे आप बाकी वैल्यू भी ड्रा कर लें फिर आके टू पाई पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है टू टू पाई पे इसकी वैल्यू दोबारा टू आ रही है और टू ये टू पाई है टू पाई से पीछे जो है ए, इसकी वैल्यू आ रही है ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो जीर, जीरो ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स यहाँ के ही है ये इससे थोड़ा सा नीचे वन से और उससे पीछे जो हमारे पास वैल्यू है थ्री हंड्रेड पर वो है पॉइंट वन थ्री तो ये थ्री हंड्रेड है तो ये बल्कि यहाँ से ये वैल्यू थोड़ा सा मैंने ये पॉइंट छोड़ दिए जल्दबाजी कर दी यहाँ पे ज़रा मैं इसको जो है ये रिपीट करता चलूँ आपको ये ग्राफ इसका कैसे आएगा ऐसे यहाँ आके ग्राफ इसका ऐसे आना ये, ये मेरे से गलती हो गई या मैंने कह लें कि यहाँ मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी ये पॉइंट ड्रा नहीं किए ऐसे चूँकि ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो ये आपका ग्राफ आएगा यहाँ आके थोड़ा सा इधर अंदर को जाके कर बैंड हो के फिर नीचे आके तो ये सारा आके जब आप ये पॉइंट ड्रा करेंगे तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा और क्योंकि ये ये इसकी मिनिमम वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है थोड़ा सा जाता है ऐसे ऐसे बैंड के दीजिए तो नेक्स्ट टाइम फिर इन शाह तक दोबारा करेंगे और अगर आप सेवन पाई बाई सिक्स फिर है ये था ये थ्री पाई बाई टू इससे पीछे है फोर पाई बाई थ्री ये यहाँ पे भी ये आ रहा है पॉइंट मैं इस पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर दूँ चूँकि मुझे करना चाहिए था मैंने ये एक ये वैल्यू है आ रही थ्री पाई बाई टू पर अगले पॉइंट पे ये आएगी पीछे वाले पॉइंट पे ये तो ये ऐसे आके ना ऐसे फिर ऐसे होगा यहाँ आ फिर ऐसे ये पॉइंट में आपको ये वाला बता रहा हूँ तो ये आपका ये ग्राफ भी कंप्लीट हुआ बाकी इंशाल्लाह ताला फिर कल करेंगे अल्लाह हाफिज़